मेरे रहते दूसरी बार, वैसे तो कई वर्षों से जा रहे हैं, भगवान श्री शंकर कटासराज जी के दर्शन करने जा रहा है। हमारी तो ये इच्छा है कि ये जो ग्रुप कटासराज जाते हैं इनकी संख्या भी दिन पर दिन बढ़े। हमारा दुर्गाना कमेटी का, अमृतसर वालों का ये सौभाग्य है कि टाटा नगर से शिव शक्ति परिवार का जो एक सेवा संस्थान है, ये मेरे रहते दूसरी बार, वैसे तो ये कई वर्षों से जा रहे हैं, भगवान श्री शंकर कटासराज जी के दर्शन करने जा रहा है। तो हमारी सबकी शुभकामनाएं इनके साथ है। हमारी तो ये इच्छा है कि ये जो ग्रुप कटासराज जाते हैं इनकी संख्या भी दिन पर दिन बढ़े, पर अभी तक पूरी तरह वीजा नहीं मिल रहा। दूसरा ग्रुप जो है फरवरी में शिवरात्रि पर जाता है हमेशा, तो उसकी संख्या भी 200 से कम रहती है। लेकिन मुझे खुशी है, दीव दमन से, टाटा नगर से, रांची से, गुजरात से, राजस्थान आदि, तेलंगाना से भी भाई बहन आए हैं। और कहते हैं ना, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश। और ये जो धार्मिक मामला है ना, ये जब हम स्वतंत्र नहीं थे तब भी राष्ट्र को राष्ट्र के नाते जोड़ के रखती थी। तो ये सब लोग जा रहे हैं, बल्कि मैं तो ये ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि अब ये ऐसी स्थिति हो जाए, भारत इतना सशक्त हो जाए कि ये वीजा वाली जो अड़चन है, ये ऐसी स्वतंत्रता की बाढ़ आए उसमें वीजा की अड़चन दीवार खत्म हो जाए और हम पहले की तरह वहाँ जा सके, जो हमारा ही मंदिर है, हमारा ही देश है। लेकिन अभी तो हमारी यही कामना है कि पड़ोसी के नाते भी दोनों देश सुख से बसें और आपस में प्यार बना रहे, और हमारे ये यात्री कटासरा यात्रा पूरी करके, दर्शन करके, सुखद यात्रा करके वापस आए। जय श्री राम। और शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। मेरा नाम विजय कुमार हुआ और मैं छोटे शहर झारखंड के टाटा नगर से हूँ। और इस बार हम लोग श्री कटासराज महादेव के दर्शन के लिए 55 यात्रियों का जत्था आज दुर्गाना मंदिर का परिसर से मंदिर कमेटी के तत्वाधान में हम लोग निकल रहे हैं। ये जत्था शिव शक्ति परिवार टाटा नगर की ओर से आयोजित है और ये जत्था आज 19 तारीख से 25 तारीख तक पाकिस्तान के यात्रा पे, धार्मिक यात्रा पर रहेगी। इसमें हम लोग श्री कटासराज महादेव के दर्शन करेंगे, साथ ही राधे कृष्ण मंदिर का दर्शन, वाल्मीकि मंदिर का दर्शन और लाहौर में लव महाराज जो श्री राम जी के पुत्र हैं, उनके पूरा शहर ही लाहौर के नाम पे, लव जी के नाम पे ही लाहौर बसा है, उन्हीं का दर्शन, उनके प्रयाण स्थल और डेरा साहब का भी हम लोग गुरुद्वारा के दर्शन करेंगे। और वहीं पे हमारा रात्रि निवास भी रहेगा, जो जितने दिन हम लोग रहेंगे तो डेरा साहब में हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे। कितने लोग जा रहे हैं हमारे साथ यात्रा में? 55 लोग हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या 15 है और 40 पुरुष हैं। और सभी लोग, उसमें से 6 लोग पुराने हैं और बाकी सभी लोग नए लोग हैं। तो इस बार सभी लोग के अंदर बड़ा उत्साह है कि पहली बार जा रहे हैं। और जत्था में रिपीटर की संख्या है जो मार्गदर्शन करेंगे 6-7 लोग, तो ये हमारे लिए बड़ी ही बड़ा उपलब्धि होगा कि छोटे से लोगों का ग्रुप अच्छा से दर्शन करके हर्षोल्लास के साथ अपने वतन को वापस करेंगे। यही हमारी मनोकामना है कि भगवान का दर्शन हो और वापस अपने वतन आए। हम लोग 25 दिसंबर को यहाँ वापस करीब दोपहर 2 बजे के आसपास वापस आ जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं दुर्गाना कमेटी की? जी, मंदिर कमेटी ने बड़ा ही अच्छा हम सबका स्वागत और सम्मान दिया और हम लोग इनके कायल हैं। इन्होंने जब से मैं तो एक छोटे से उम्र से इनको पढ़ता आया हूँ, देखता आया हूँ टीवी में और सुनता आया हूँ, लेकिन साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य मिला है हमारे यहाँ के चेयरमैन प्रोफेसर लक्ष्मीकांत जी चावला जी, और ये प्रधान हैं और हमारे लिए भी ये प्रधान और माता के समान है और इनके ही दिशा निर्देश में हम लोग ये दूसरी बार यात्रा कर रहे हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नयाशुभ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सब लोग पूरे विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण सृष्टि में जितने भी चराचर सब शिव के ही अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब लोग वे जो पूरे विश्व के पालन करता भी हैं, संहार करता भी हैं और उत्पत्ति करता भी हैं, ऐसे भगवान शिव, उनकी हम सब की आस्थाएं, जिस प्रकार हम सब लोग 12 ज्योति लेंगे,
हमारे जो बाबा अमरनाथ की यात्रा हो, बाबा पशुपतिनाथ नेपाल की यात्रा, तो हम सब लोग विश्व में जहाँ भी जिस भूमि पे हमारे भगवान भोलेनाथ की कथाओं से जुड़े हुए हैं। पहले तो यह अखंड आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि हम खंड खंड में हो गए, लेकिन फिर भी वह भूमि आज भी हमारे लिए उतने ही प्राणों से प्रिय है। और हम सब लोग जिस जगह पे जब माता सती अपने शरीर को आहुत कर दी हवन कुंड में, तो बाबा भोलेनाथ अत्यंत द्रवित हो गए और संताप में शोकाकुल होकर के उनके नेत्रों से करुणा के रूप में उनके नेत्रों से जो आंसू गिरे, वह पवित्र कुंड श्री कैलाशराज में है। और वह पुण्य भूमि हम सब लोग जब तक अंतिम सांस है हम सब लोग लड़ाई रहते हैं। इन जो हमारे एक 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ हमारा पाकिस्तान में है माँ हिंगलाज भवानी, हम सब लोग वर्षों से यह हम सब का अभिलाषा है, सपना है कि वहाँ का भी दर्शन करने का सौभाग्य, वहाँ के वीजा हमें प्राप्त हो, कि हम सब लोग जब पाकिस्तान में जा ही रहे हैं लाहौर होते हुए चकवाल तक और बाबा कैलाशराज के हम लोग दर्शन करेंगे, तो वहाँ से थोड़ी दूर और माँ हिंगलाज भवानी जो हमारा शक्तिपीठ है, हमारे माता के बिना हमारे जीवन की संकल्पना नहीं हो सकती। तो हम सब लोग यह प्रभु के चरणों में विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं सतत कि वह सौभाग्य वह शुभ दिन भी आए कि हम सब लोग कैलाशराज यात्रा के साथ साथ उनका माँ हिंगलाज भवानी का भी दर्शन कर सकें और हम सब लोग का जीवन धन्य हो सके और हम सब लोग 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ सभी कैलाश मानसरोवर, हम संकल्प भी बोलते हैं जम्बोदी पे भारत खंड आर्यावर्त अंतर्गत है, तो यहाँ सब लोग ओम विष्णु 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 नमः परमात्मा ने, तो वह हमारा सिंधु नदी जो हमारे गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल अस्मिन संधिम कुरु, तो जो हम संकल्प बोलते हैं वह संकल्प हमारा अधूरा है। जिस दिन उस सिंधु नदी में हमारा स्नान होगा, हम उसका आचमन करेंगे, उस जल से बाबा का अभिषेक करेंगे, उस दिन हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। यह हम सब लोग 55 यात्री जा रहे हैं इस बार, कुछ हमारे 3 भक्त हैं जो बड़ी श्रद्धा से अपने इष्ट का अपने प्राणों से प्रिय हमारे आराध्य हमारे इष्ट बाबा कैलाशराज के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका 3 लोग हमारे हैं जिनका वीजा नहीं लग पाया, इस कारण से वे वंचित हो गए। क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? हम सब लोग जो दोनों ही सरकारें हैं, भारत सरकार भी और जो वहाँ की पाकिस्तान सरकार है, कि भक्तों की उनकी जो आशाएं हैं उनकी जो इच्छाएं हैं उनका ख्याल रखते हुए सब लोगों को प्राप्त हो भी जाए, यही अभिलाषा।